Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. खासदार इनका नई मुंबई के दोनों आमदार इनके मेयर इनके घर का और जब सत्ता आती तो पालक मंत्री भी गणेश नाइक बनते तो हमने सोचा कि भाई अपने खुद के लिए लड़ाई तो सब करते हैं लेकिन अपने साथी लोगों के लिए लड़ाई करने का कौन सा एक स्टाइल होता है वो बताने के लिए आनंद परांजपे को हम लोगों ने खड़ा किया है। और मैं यकीनन से कहूंगा नई मुंबई से आनंद परांजपे को लीड मिलेगा, भाईंदर से भी लीड मिलेगा और थाना जिनका जो गढ़ समझते हैं ना वो लोगों का गढ़ समझने का जो एक धुंधी है वो धुंधी भी उतारने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर नगर सेवक चुनाव में जो है यहाँ के जितने नगर सेवक उम्मीदवार थे वो एनसीपी से काफी नाराज है क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि एनसीपी ने उनको बीच रस्ते में छोड़ा है। मैंने बोला वही बात थी, प्रचार के लिए हमारे सब लोग थे, नोटबंदी के बाद में किसी के हाथ में नोट नहीं रही थी और कई लोगों को नोट की उम्मीद थी, इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि नोट देने के लिए आज भी हम लोग इतने कामयाब नहीं है क्योंकि दो नंबर का फासला जो दो नंबर का धंधा हम लोगों ने किया भी नहीं। भाईंदर के पूरे बिल्डर लोगों को कॉन्ट्रेक्टर लोगों को आप पूछो कि गणेश नाइक ने पैसा तो छोड़ो आपके यहां से पानी तो पिया था क्या। सुने सुने तीन बार इस इलाके का मैं एमएलए था, तीन बार जब मैं था तब मैं इधर का मैं गार्जियन मिनिस्टर था, एक भी बिल्डर बंदा आके बोले कि गणेश नाइक ने हमसे पानी पिया है तो अपन हार जाएंगे। हम लोगों ने इस धन से पैसा नहीं जमा किया था इसलिए उम्मीदवार को देने के लिए पास हमारे पास पैसा नहीं था और वो पैसे के बलबूते पे लड़ाई जीतना ये हमारा मकसद कभी नहीं रहा था और आगे भी नहीं रहेगा। मौजूदा सरकार अपने काम गिराती है, मेट्रो का काम, ब्रिज का काम, कई अपने काम गिराती है तो हम आपके तरफ से क्या मानेंगे, आपने क्या काम है? मैंने सुने ये मेट्रो वेट्रो का जो ऐलान है ना इसकी प्लानिंग पहले हमारे सरकार के टाइम में हुई है, अभी आगे आगे काम लेके जाने का काम वो कर रही है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मंगल ग्रह पे यान गया, ये क्या मोदी सरकार आने के बाद में इस यान बनाने की शुरुआत हुई थी क्या? ये जो आजकल जो बड़े बड़े नेवी के जहाज बन गए ये 10-15 साल में नहीं 15-15 साल से उसकी बुनियादी शुरुआत हुई थी। तो बात ऐसी है कि आज वो लोगों ने कोई प्लान किए होंगे तो कल जाके हम लोग राज्य में आने वाले तो हम लोग उसका उद्घाटन करने वाले हैं। मन कि समाजवादी पार्टी मीरा भाईंदर में बहुत कमजोर है तो आप क्या करेंगे? देखिए बात ऐसी है कि आगे चल के मीरा भाईंदर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी दोनों पार्टी मजबूत होने के लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा और कार्यकर्ताओं को जो असली जीवन का धारा कौन सा है वो बताने का हम प्रयास करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बोला कि इस एक भाईंदर की जो जगह है ये कांग्रेस को छोड़ने का हम लोगों ने डिसीजन लिया है और उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं और ये डिसीजन शरद चंद्र पवार साहब और जयंत पाटिल साहब अशोक चव्हाण साहब ये सब तीनों मेरे दो प्रदेशाध्यक्ष और हमारे पार्टी के देश के अध्यक्ष इनके कंसर्न से मैं बोल रहा हूं कि ये भाईंदर की जगह एक कांग्रेस को दी गई है। मुजफ्फर साहब आपसे एक सवाल है, यहाँ पे दो आमदार बीजेपी शिवसेना के जो आमदारों में दो तीन महीने पहले जंग भी आपने सब देखा है, देख सकते हूँ क्या वो मुद्दों क्या आप उन दोनों की लड़ाई को इस चुनाव में लेके आएंगे आगे? ये लोकसभा का चुनाव है और वो दो व्यक्तियों की आपस के झगड़े हैं, यहाँ पे दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, बीजेपी और अघाड़ी की और कांग्रेस राष्ट्रवादी और अघाड़ी की, ये दो विचारधारणा है, देश की दो विचारधारणाओं की लड़ाई हो रही है ना कि दो व्यक्तियों की लड़ाई। चलिए 145 विधानसभा जो है वो कांग्रेस के लिए आपने छोड़ दिया ऐसी शहर में चर्चा चल रही है। देखिए बात ऐसी वो अधिकार पूरा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का है। दूसरी आप सुनिए अभी प्रभारी के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हम लोग जो वादे अभी आज तक किए हैं
वो पूरे किए हैं और आगे चल के भी वादे करेंगे वो पूरे करने वाले, बस इससे ज्यादा मुझे इस बारे में भी बात नहीं करना। ऐसा माने कि आप 145 जो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है आपने, हाँ या ना? देखिए जो बात आपने बोली है हाँ। उसमें बात सच है और वो हाँ है और आखिर तक हाँ रहने वाली है। लोकसभेच्या झाल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका जशा जवळ येतील तेव्हा पुन्हा पक्षातून इकडे तिकडे उड्या मारण्याची प्रोसेस सुरू होईल, अशा वेळी राष्ट्रवादीतून सोडून गेलेले काही नेते जर परत आले तर या दिशेमध्ये काय फरक पडणार का? जे लोकसभेच्या अगोदर येतील ते राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश आहे, लोकसभेनंतर येतील आणि सांगतील आम्ही फ्रंटला, देर इज नो स्पेस ॲट फ्रंट प्लेस। ओके सर, संपर्क तिवारी नो भारत टाइम्स सर, अमित तिवारी नव भारत टाइम्स सर। सर मैं आनंद जी से जानना चाहूंगा कि सर आप किन मुद्दों को लेके इस लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, आप अपनी बातें रखिए। सबसे पहले मैं आए हुए सभी पत्रकारों का आदरतापूर्वक विनंतीपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।